ए वीरू, हम्म, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल तुम्हारी धनों क्या तांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारी धनु इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ, ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो, तुम तो सब जानते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगाओ प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी, यूं कि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम चमत्कार हो गया, हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, यूं कि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले चार सोमवार और लग जाए। देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। बेफुजल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कमारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, क्योंकि यूं के धनों के साथ तांगा चलाती रहोगी, हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठकर रमा धुनी, बसंती चली अपने घर। क्या सुन रहे हो भाई? तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो। अरे मियाँ, कम नहीं करूंगा तो क्या बढ़ाऊंगा? जो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे। ये लो 2 रुपए का नोट। हाँ वो तो मैं भी देख लिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं? हाँ खरा है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा बाप तो खुदा आप। पैसे तो वापस कर दो। पिए थे मांग रहे हो? वो नोट तो 2 रुपए का था। अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है। 2 रुपए में इसी से लकड़ी? और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे? देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? चलो।
दिमाग खराब करने चले आज? इनको देखो। अरे जान मियां, क्या देखो पिए थे, शायरी करते रहते हो। अरे बाहर देखो, ट्रक से माल उतरा है कि नहीं दोस्त? अरे भैया, यहाँ कोई तमाचा हो रहा है? गाफिर खाना है? कौन हो आप लोग? आप लोग यहाँ कैसे हो सुरमा भोपाली? अरे भैया, मैं तो आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, मगर ये कर क्या रहे हो आप लोग? इधर आ जाओ। अरे हाँ, इधर पुलिस ने आप दोनों पर 2000 रुपये का इनाम रखा है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो आपके साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। आप तो यहाँ से निकल लो। सुरमा भोपाली, हम जेल जाना चाहते हैं। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। भोपाल होता तो हम तो ये थे 2 मिनट में आपको अंदर करवा देते। हमारा नाम सुरमा भोपाली ये थे नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी क्या जरूरत है? या तो वैसे ही आपके नाम का वारंट निकला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें जेल ले जाओ। क्या किए गए हो आप? हम पर 2000 रुपए का इनाम है, वो पूरा तुम्हें मिल जाए। और जब हम छूट कर आए तो उसमें से आधा हमें दे देना, समझे? क्या किए गए हो आप? अरे खां, मैं तो कह रहा हूँ पान खा लो आप। ले लो पान, बहुत अच्छा है भैया, बहुत बनेगा पान है। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी। मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को। मैंने पकड़ के टांग तो खींची के जाते किधर हुआ, और कस के धो दिए लपाड़े के चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ये नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि सुरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने फिन फिनाई तो जाना सुधाई कर दी, दटा दट दटा दट, बहुत मारा बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ, काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ये सही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। ये थे माशाल्लाह, तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है। सुरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ हाँ, 1000 रुपए। अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है। लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे।